हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दूसरा मिशन लेके आया हूँ स्विम शटर का, और 4 SML का है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। दिखाता हूँ अभी उसके अंदर का जो ब्लेड है, ब्लेड भी बढ़िया कंडीशन में है, सही है। कम से कम चलेंगे अभी 2 से 2500 घंटे चल जाएगा अच्छा सा। और पीछे का जो टायर है, टायर भी अच्छे ही है, 50% से ज़्यादा ही है, 50-55% टायर है। और गाड़ी कम से कम 8 महीने से खड़ी है, इसलिए थोड़ा दिखने में अच्छा है, लेकिन गाड़ी एकदम बढ़िया था, साफ़ सुथरा था गाड़ी। अभी देखो मोटर वाटर पंप भी सही है, अभी पानी पकड़ के देखा था, अभी देखो पानी मैं अनलोड कराता हूँ ऑपरेटर से, तो उसके बाद आप देखना। बाकी का सब सही है, सब मैं खुद मशीन के ऊपर चढ़ के मैं देखा था। अभी तो ऑपरेटर ऑपरेटिंग कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। मॉडल भी देखिए, 2018 मॉडल है, मैं इसका अलग से मैं फ़ोटो डाल दूँगा। आगे का टायर बढ़िया है, 60-65% टायर है। गाड़ी रखने से थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, बाकी ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं है। और बाकी अगर आप कोई भी पुराना मशीन ले रहे हो तो छोटा मोटा तो कंप्लेंट निकलेगा, जैसे छोटा मोटा मेंटेनेंस तो रहेगा। जैसे अभी देखो ये लाइटिंग का देखे थे, और जो भी छोटा मोटा मेंटेनेंस रहेगा। और अगर आप मशीन लेके जा रहे हो तो आपको सर्विस तो करना ही पड़ेगा, ऑयल सर्विस वगैरह आप करके उसके बाद मशीन अच्छा चला सकते हो। हाँ, कोई बड़ा मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, मशीन एकदम बढ़िया पक्का कंडीशन में है। स्विंग ड्रम है, स्विंग भी अच्छा काम कर रहा है। मशीन 8-9 महीने से खड़ी है ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब ऐसा दिख रहा है। और ग्रीसिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा, रोलर का और बाकी सब जगह ग्रीसिंग तो करना पड़ेगा। ग्रीसिंग करोगे उसके बाद आपको रबड़ी लगेगा। बाकी देखो इंजन का भी साउंड देखो, एकदम नॉर्मल एकदम सॉफ्ट साउंड है। किर्लोस्कर का इंजन है, किर्लोस्कर का फिल्टर्स वगैरह लगा हुआ है। ये बैटरी अभी डाला हुआ है, ऐसा बैटरी निकाल के रखा था क्योंकि 8 महीने से मशीन खड़ा था ना, बैटरी निकाल के रख दिया था। बाकी पंप वगैरह सब ठीक है, ऑयल लीक भी नहीं है, सब सही है। देखो स्विंग का गियर देखो, कुछ भी मतलब कोई भी एक दाता टूटा नहीं है। फोर व्हील भी ड्राइव है,